हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे आप सभी जो हमारा हिस्ट्री यानी इतिहास का जो विषय होता है यानी जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसे आप एक महीने के अंदर कैसे सारे चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करें वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हिस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको सिलेबस देखने को मिलता है। सभी को इस बात की फिक्र रहती है कि मैम इसका जो सिलेबस है कैसे कवर करे, किस तरीके से इसे पढ़ा जाए और इसके लिए रिसोर्सेज क्या क्या होने चाहिए। तो ये सब कुछ मैं आपको आज की क्लास में बताने वाली हूँ क्योंकि ये क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, यूजीसी नेट या फिर कोई एंट्रेंस टीचिंग या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में जिसमें आप हिस्ट्री जो आपका चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट हो या फिर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो, इसे हम कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें और क्या क्या पढ़ें, ये सब कुछ मैं आपको आज की क्लास में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करें वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को मिलते रहे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो पूरी हिस्ट्री है उसमें इतने ज़्यादा ब्रॉड सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए वो देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जिस बातों पे ध्यान रखना है, आपको जो हमारी हिस्ट्री जो सेक्शन है बहुत ब्रॉड सेक्शन है इसको डिवाइड करना है। जैसे कि आपको पता है कि हम हिस्ट्री को सबसे पहले जो पढ़ते हैं जिसको स्टडी करते हैं वो आपका होता है एंशेंट हिस्ट्री, जिसको आप प्राचीन इतिहास के नाम से भी जानते हो। नेक्स्ट जो हम इसमें कवर करते हैं वो होता है हमारा मेडिएवल यानी कि आपका मध्यकालीन का इतिहास, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमें अपने हिस्ट्री में पढ़ना होता है वो है आपका मॉडर्न यानी कि आपका आधुनिक इतिहास। और इसके अलावा आपको आर्ट और कल्चर के बारे में भी पढ़ना पड़ता है ताकि कोई भी टॉपिक हो हर एक टॉपिक में आपके कला और आपकी संस्कृति ज़रूर पता होना चाहिए। और स्पेशली अगर हम बात करें तो आपका चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर इवन यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम हो, आर्ट और कल्चर का से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। अगर आप सभी चाहते हो कि आर्ट और कल्चर से रिलेटेड भी हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड की जाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पर आपको आर्ट और कल्चर से रिलेटेड भी हमारे चैनल पर वीडियोस आगे आने वाले दिनों में आपको ज़रूर देखने को मिलेगी कि क्योंकि आर्ट और कल्चर हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस टीचिंग एग्ज़ाम हो यहाँ से हमें देखने को मिलता है, राइट। तो आर्ट और कल्चर का भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। उसके बाद आता है हमारा विश्व का इतिहास जिसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो आप अपने हिस्ट्री को पहले तो हमें इस तरीके से डिवाइड करना है कि हमें ये जो फाइव कितनी बुक्स होनी चाहिए, ये फाइव बुक्स आपके पास होनी चाहिए और हमें इसको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले आपको मैं बात बताऊं, यहाँ पर मैं जो जितनी भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ या जितनी भी बातें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ ये सब कुछ किसके बेस पे, पूरा बेसिक से लेकर के आपके एडवांस तक की बातें मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। मतलब यहाँ पर जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं हैं और आप सभी ने अपने यहाँ पर सब्जेक्ट में हिस्ट्री को ऑप्शनल चूज़ कर लिया है तो अब आपको इसे कैसे करना है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो हमारी स्टार्टिंग होती है वो है बेसिक। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो पहले उसको आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब हम एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं कि आखिरकार ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर करने का तरीका, सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, पूरे कम्प्लीटली सिक्स्थ से लेकर के ट्वेल्थ क्लास तक की हिस्ट्री को आपको कवर करना है। अभी रिसेंटली में मैंने हमारे चैनल पर एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करी है, अभी यहाँ पर सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट हुई है, इसलिए बैक टू बैक हम आपको सीरीज में क्लास सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ तक हम सारे हिस्ट्री के जो आपके एनसीईआरटी है इसको कवर करेंगे। तो उस एनसीईआरटी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा,
ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है, एंशियंट मेडिवल मॉडर्न, ये सारी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं आज की क्लास में आपको क्या बता रही हूँ कि आपको अपने हिस्ट्री को कैसे पढ़ना चाहिए कि 1 मंथ के अंदर आप इनको कवर कर सको। तो देखो 1 मंथ तो तब क्लियर होगा कि सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता रही हूँ कि हिस्ट्री अगर इतिहास आप पढ़ने वाले हो तो शुरुआत कैसे करें, तो वो होता है हमारा बेसिक से। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को उठाना है और 6 से 12 तक की एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी की, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सब कुछ तो नहीं आता एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इवेंट्स है, मैंने एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर दी मेरे चैनल पर, अभी तक जो फर्स्ट टाइम आया उन्होंने वो सारी वीडियोस नहीं देखी तो चेकआउट करना, उसकी सारी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर मैंने जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सब कुछ मैंने उसमें हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। तो पहली बात तो हमारी ये होती है कि पहले अगर हमें एडवांस की तरफ बढ़ना है बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो ये उन स्टूडेंट के लिए था जिनको जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, लेकिन जिनका क्लियर है वेल एंड गुड, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के एक रिवाइज ज़रूर करना, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट होता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इवनली यूपीएससी की भी कर रहे होंगे तो भी, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपके यूपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपने क्या किया कि इसका बेसिक चीज़ अगर समझ लोगे तो प्रीलिम्स में भी आपको यहाँ से इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाता है। ऐसे यूजीसी नेट हो चाहे आपका कोई भी टीचिंग या एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, आप अपने सिलेबस को चेकआउट ज़रूर करना। और सिलेबस को सबसे पहले चेक करना होता है कि हमारे एंशियंट मेडिवल मॉडर्न आर्ट और कल्चर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो किस तरीके सबसे ज़्यादा जो सिलेबस है, सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट जो पूछा जाता है, कौन से टॉपिक से पूछा जाता है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ समझ आई, एनसीईआरटी, इसकी सीरीज़ हमारे चैनल पर कंटिन्यू रहेगी, रात के 9:30 बजे आपको हमारे चैनल पर वीडियो देखने को मिलती है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि जब भी ये वीडियोज़ हैं नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को मिलते रहे। अब बात करते हैं कि आपको, क्योंकि 1 मंथ में, 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, कितने, 4 वीक होते हैं, इन 4 वीक में हम कैसे क्या क्या पढ़े, आइए चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ बात कर रही हूँ कि आपको किस तरीके से, आपको सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक बेसिक सी चीज़ पता है कि आपको, आप कभी भी, आपके पूरे 1 मंथ में कितने वीक होते हैं, 4 वीक। अब 4 वीक में आपको अपने स्टडी प्लान को क्रिएट करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, आइए चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला हफ्ता होगा, जो आपका पहला वीक होगा, उसमें आपको क्या करना है, आपको उसमें स्टार्ट करना है मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि आप में से सबसे पहले, अगर ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ, आधुनिक इतिहास जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है, ये बहुत सारे लोगों को टफ लगता है ना, तो शुरुआत हम इसी से ही करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक को आपको उठाना है, और ख़ास तौर से अगर मैं बात करूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री के उन टॉपिक्स को हमें कवर करना है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक अगर मैं बात करूँ, इसमें आपका सबसे पहले आएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये टॉपिक की नॉलेज आप सभी को होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको इसको कवर करना है, ठीक है। तो ये पूरा जो सीक्वेंस होता है 1857 से 1919 तक के सारे मूवमेंट हमें इसमें कवर करना होता है। 1919 आपका रोलेट एक्ट तक आप देखोगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, रिवॉल्ट ऑफ 1857, आपका जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक की बात करती हूँ तो वो है आपका अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो जितने भी आपके राष्ट्रवादी के आंदोलन हैं, राष्ट्रवादी के जो नेशनलिस्ट मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं, ये टॉपिक आपको कवर कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि और कौन कौन से टॉपिक्स आपको आने चाहिए, अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट के बाद आपको जो फोकस करना है, हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत कैसे हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन जो कि आपको पता है 1885 में हुआ था, इसको स्टडी करना है, ठीक। उसके बाद बात करेंगे आपके, वही जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, आप सभी को पता है कब हुआ था, 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था,
आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920 में आप इसको पढ़ते हो, उसके बाद आपको पढ़ना है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जिसको आप सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हो, 1930 में ये मूवमेंट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए वो है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, और सारे जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट जो भी हमारे कांग्रेस के सेशन हुए थे वो सारी नॉलेज होनी चाहिए आपको। इम्पॉर्टेंट कांग्रेस सेशन, जितने भी कांग्रेस सेशन हुए थे ना, आपको पता है 1885 से 1947 तक हमें सारे सेशन देखने को मिलते हैं, सारे इम्पॉर्टेंट आपको पता होने चाहिए। और लास्ट है आपके जो भी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ना, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करना है, एक हफ्ते में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के ये सारे टॉपिक को कवर करना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत डीपली करो, अगर अपने आप बेसिक को कवर कर रहे हो तो इन सारे टॉपिक्स को आपको रीड आउट करना है, समझना है कि किस वाले मूवमेंट में, किस वाले आंदोलन में कौन कौन सी चीज़ क्या क्या हुई थी। तो पहले एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, फिर आप इसे डीपली स्टडी कर सकते हो। आप सभी को पता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि हम नोट्स कैसे प्रिपेयर करें कभी भी नोट्स, क्योंकि नोट्स आपको पता है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि एक बार आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए तो एग्ज़ाम के टाइम पर आपको पूरी बुक पढ़ने की, या जब आप रिवाइज़ करोगे तो रिवीजन के टाइम पर भी पूरी जो आपकी कंप्लीट बुक है उसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो उसके लिए शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि शॉर्ट नोट हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले हफ्ते में आपको बातें क्लियर हो गई, यानी कि 7 डेज के अंदर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को कवर करना है। बात करेंगे सेकेंड वीक की। फर्स्ट वीक हमारा कंप्लीट हो गया, सेकेंड वीक में आप स्टार्ट करोगे एंशेंट और मेडिएवल हिस्ट्री, ठीक है। देखो अगर हम बात करें एक महीने में अगर ये हम पूरा कवर कैसे करें, तो रिवीजन करने का भी ये बेस्ट तरीका होता है। अगर आप रिवाइज भी कर रहे हो तब आप इसको पढ़ना है तो ये जो मैं आपको आज की क्लास में बता रही हूँ इसको फॉलो कर सकते हो। अगर हम बात करें आपके एंशेंट और मेडिवल सोसाइटी के बारे में, इसमें जो इम्पॉर्टेंट आपके जो टॉपिक्स हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता, इंदस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद आता है आपका वैदिक पीरियड यानी वैदिक एज के बारे में, और नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके जितने भी रिलीजियस जो धार्मिक आपको रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, लाइक आपके बुद्धिज़्म जैनिज़्म, इन्हें कवर करना है। और नेक्स्ट हम बात करें आपके सारे एम्पायर जो कि है आपका मौर्यन एम्पायर, एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो, मैंने आपको इन सभी को डिटेल में कराया हुआ है। आपके चाहे मौर्यन एम्पायर हो, चाहे आपका गुप्ता एम्पायर हो, ये सारे साम्राज्य जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से संगम एज, आपका संगम युद्ध जिसमें आप चेर चोर पांड्या करते हो, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ से एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आपका पोस्ट गुप्ता पीरियड, ठीक है। पोस्ट गुप्ता पीरियड के भी कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। ये तो मैंने आपको एंशियंट के टॉपिक बताए हैं, यहीं अगर हम आपके मेडिएवल के टॉपिक्स को देखेंगे, जो देखो ये मैं वो टॉपिक्स बता रही हूँ जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपीएससी के एग्ज़ाम दो, यूजीसी नेट का दो, चाहे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, ये वो टॉपिक्स हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, सबसे ज़्यादा मेन फोकस हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पोस्ट गुप्ता, अगर मैं आपकी बात करूँ मेडिएवल में, तो मेडिएवल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हमें पूछे जाते हैं वो एक तो है आपका दिल्ली सल्तनत, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, कोई डाउट नहीं है आपको कि मुगल साम्राज्य यानी मुगल से क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसके बाद भक्ति और सूफी मूवमेंट आपको ज़रूर करना है, चाहे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर आपके यूजीसी नेट या कोई भी एग्ज़ाम। तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मिलता ही मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि, क्योंकि देखो इनके अलावा भी बहुत टॉपिक है, विजयनगर एम्पायर, बहामनी एम्पायर, बट अभी मैंने आपको क्या बताया, एक महीने में ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपका फोकस होता है वो यही होता है कि हमें इन सारे टॉपिक्स की नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। एक बार आपने इन सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया, तो ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट वीक।
थर्ड वीक में अब हमारा जो सेक्शन बचता है वो है आपका आर्ट और कल्चर का। जो थर्ड वीक आप जब इसको स्टडी करोगे तो आप सभी को आर्ट एंड कल्चर पढ़ना चाहिए। आर्ट और कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सब कुछ आएगा, इंडियन का आर्ट और आर्किटेक्चर, वो भी आपका पूरा एंशिएंट से मेडिएवल तक, ठीक है। एंशिएंट मेडिएवल का जितना भी आपका आर्ट और आर्किटेक्चर हमें पढ़ना होता है ये सब कुछ आप इसमें आपको कवर करना है। अगर आप सभी चाहते हो कि आर्ट और आर्किटेक्चर से रिलेटेड भी हमारे चैनल पर वीडियो आए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, तो ये सारे प्लेलिस्ट भी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी, बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपको मिलेगा डांस फॉर्म, ठीक है। डांस फॉर्म्स भी आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, डांस फॉर्म हुआ आपका, चाहे म्यूज़िक हुआ, इवनली हमारे जो पेंटिंग्स होते हैं, आपके जो लिटरेचर यानी साहित्य होता है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। ये सब कुछ हमें कवर करना है अपने थर्ड वीक में, ठीक है। थर्ड वीक तक मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। थर्ड वीक के बाद जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा वो होगा वीक फोर, है ना, क्योंकि वन मंथ में हमारा जो पूरा होता है वो होता है, उसके वीक फोर में आपको कवर करना है आपका विश्व का इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चेकआउट करना कि आपके सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन से क्या क्या ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आज की क्लास में मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ ये एक महीने में कैसे पढ़ना है, ये वो पार्ट नहीं है कि आप जब अपने स्टडी को स्टार्ट कर रहे हो और तब आप इसको करो, नहीं, क्योंकि ये तब आपको करना है कि जब आप रिवाइज कर रहे हो या जब आपने इन टॉपिक को पहले भी कई बार पढ़ा है, और तब आप इसको पढ़ना है कि चलो अब मुझे एक महीने में अपने इस पूरे हिस्ट्री को कवर अप करना है, जल्दी से रिवाइज करना है, सबको समझना है, वो मैथड मैं आपको बता रही हूँ, क्लियर हुआ। और अगर स्टार्टिंग की बात करें, आप फर्स्ट टाइम अपनी हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हो तो मैंने आपको बताया बेसिक से स्टार्ट करो, एनसीईआरटी उठाओ उसे स्टार्ट करो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो। नोट्स कैसे बनाना है, कैसे करना है, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, उसके लिए चैनल पर बने रहना। और जैसे कि आपने ये फोर वीक में एक महीने में आप अपने एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न वर्ल्ड और आर्ट और कल्चर को, और ख़ास तौर से ये वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मस्ट आपके हर एक एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो। अब बात कर लेते हैं आपके इम्पॉर्टेंट सोर्सेज की, क्योंकि आप में से कई ऐसे होंगे जिनको होगा कि मैं बुक्स भी बता दीजिए ताकि हम वो बुक्स को यहाँ पर ले सकें, और कौन सी बुक प्रेफर करें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट होती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही, वीडियो पसंद, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। आप सभी लाइक बहुत कम करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो पसंद आप उस लाइक करके भी कर सकते हैं कि हाँ हमें भी पता चले कि आपको ये वीडियो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा और भी ग्रुप्स स्टडी ग्रुप में शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके, क्योंकि आप सभी जानते हो कि हिस्ट्री में जो हमारा सिलेबस है वो इतना वास्ट होता है और सब बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं कैसे कवर करें। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे से करोगे तो हम ज़रूर इसको कवर कर पाते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको सोर्सेज बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप जो सोर्सेज यूज़ करोगे, अगर मैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास को अगर आपको करना है तो ऑब्वियस है कि सबसे पहले आपको स्पेक्ट्रोग्राम पढ़ सकते हो, ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। और साथ ही साथ आपकी जो क्लास 12 तक की जो हिस्ट्री है इसका कॉन्सेप्ट आपको कवर होना चाहिए, एनसीईआरटी को पढ़ना है आपको, 6th से लेकर के 12th तक की हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लेना, इससे मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगी। कोई और बुक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये पहली बात हो गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ आपके एंशिएंट और मेडिएवल की, यानी प्राचीन और मध्यकालीन के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी सही रहेगी, तो देखो इसके लिए अगर हम बात करें तो आपके आर.एस. शर्मा के लिए बुक की यहाँ पर बात की जाती है, इंडियन एंशिएंट पास्ट आपको मिलेगा एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। मेडिएवल की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियस है सतीश चंद्र, बहुत ही अच्छी बुक है ये, तो आप अपने यूजीसी नेट हो चाहे यूपीएससी इसके लिए ये बुक प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और यूजीसी नेट लेवल तक के लिए भी कर रहा है तो देखो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एक बुक और बेस्ट है जो कि आप सभी को पता है कि
किसने लिखी है? उपेंद्र सिंह ने लिखी है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये आपको बुक मिल जाएगी, तो आप इसको भी बाय कर सकते हो। एंशंट और मेडिएवल हिस्ट्री बहुत ही अच्छी बुक है, जिसमें यूपीएससी यूजीसी नेट के लिए भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इजीली से इसको कर सकते हो। और इवनली अगर आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यूजीसी नेट हिस्ट्री के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, उसके लिए कौन कौन सी बुक आप ले सकते हो, बेस्ट बुक है, तो उसका लिंक यानी यूजीसी नेट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो वीडियो जाकर के चेकआउट कर सकते हो। बट आज की क्लास में मैं आपको हर एक एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव पे ये क्लास में बता रही हूँ कि आपको कौन सी बुक बेस्ट रहेगी अगर आप एंशंट मेडिएवल मॉडर्न को कवर कर रहे हैं तो, ठीक है। और इनके अलावा बहुत बेसिक बात है, एनसीईआरटी 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आपको कवर करनी है एंशंट मेडिएवल के, और बहुत ही सबसे ज़्यादा जो आपका समरी पॉइंट होता है, की इवेंट्स होता है, उन पर फोकस करना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात करते हैं आपका आर्ट और कल्चर। आर्ट और कल्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं आपको इससे रिलेटेड भी आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। इस सबसे अच्छी जो बुक होती है आर्ट और कल्चर की, सभी को पता होगा, आपके नितिन सिंघानिया की बुक है, आप इंडियन आर्ट और कल्चर, और बहुत ही हेल्पफुल बुक है, ख़ासतौर से जो आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में और मेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उनकी बात है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्लास 11 की एनसीईआरटी को पढ़ना है आर्ट और कल्चर के कॉन्सेप्ट के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, और इसके लिए तो कितने सारे ऐसे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि मैम वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक प्रेफर करें। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आप जो है वो नॉर्मन लोए की बुक ले सकते हैं, इनकी बुक है मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आप इनकी बुक यहाँ पर मैं प्रेफर कर रही हूँ, तो आप ये बुक इनकी बाय कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो सोर्सेज मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि हिस्ट्री के लिए अगर आपको कोई भी बुक परचेज करनी है तो कौन सी हेल्पफुल रहेगी। अदरवाइज एनसीईआरटी को कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करो, ठीक है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है, उसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो सब कुछ अगर आप वो वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आर्ट और कल्चर पे जो नितिन सिंघानिया की बुक है, अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मैसेजेस आए, कमेंट हमें देखने को मिलता है कि यस आर्ट और कल्चर से रिलेटेड भी वीडियो हमारे चैनल पर आनी चाहिए, तो वो चैनल पर भी ज़रूर आएगी, ठीक है, जिसमें मैं आपको नितिन सिंघानिया की बुक से ही जो हमारे इम्पॉर्टेंट आर्ट और कल्चर के इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं ना, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना है, ताकि अगर ये भी आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो तभी आपको आगे आने वाले दिनों में इन सबसे रिलेटेड वीडियोज़ देखने को ज़रूर मिलेगी। तो सोर्सेज आपको क्लियर हो गया, मॉडर्न एंशंट मेडिएवल आर्ट और कल्चर वर्ल्ड हिस्ट्री, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली चेकआउट कर लेना, ठीक है। और आप में से कोई भी हिस्ट्री के लिए यहाँ पर, अगर आप में से कोई भी हिस्ट्री के लिए पेड क्लासेस या नोट्स चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर इनरोलमेंट करा सकते हैं या बाकी की अपडेट ले सकते हैं। यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है 888-219-6980, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किस एग्ज़ाम के लिए आपको क्लासेस या नोट्स चाहिए, ये सारी अपडेट आपको व्हाट्सएप पे टेस्ट करके मेंशन करना है। इसके आगे की जो भी अपडेट होगी वो आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम जो भी मीडियम है आपका, किस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर आप प्रिपेयर कर रहे हो, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज हमारे चैनल पर एंशियंट मेडिएवल मॉडर्न वर्ल्ड सबकी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। और आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक यहाँ पर हमारे चैनल पर आना चाहिए वो एंशियंट मेडिएवल मॉडर्न आर्ट और कल्चर वर्ल्ड हिस्ट्री किससे। देखो अभी अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको हमारे चैनल पर एनसीईआरटी स्टार्ट की है, जिसका टाइमिंग हमारी क्लास का 9:30 PM है, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी मैंने स्टार्ट किया है। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टाइमिंग है वो हमारे 6 PM पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये सीरीज़ आपको अभी यहाँ पर कंटिन्यू देखने को मिलेगी। उसके लिए चैनल पर बने रहो, सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन कर लो, ठीक है, ताकि आपको जो भी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड होती रहे उसका नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को मिलते रहे।
आज की क्लास से रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। और जो भी चीज़ें मैंने आपको आज की क्लास में बताई हैं, ये पूरे एक महीने में, देखो सबसे ज़्यादा क्या होता है, क्योंकि आपको पता है इतने ज़्यादा हमारा सिलेबस होता है किसी भी सेक्शन का, तो चाहे वो एंशेंट हो, मेडिएवल हो, मॉडर्न हो, आर्ट और कल्चर हो या वर्ल्ड हिस्ट्री हो। तो पहले तो आर्ट और कल्चर, और एक तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है ना, प्रशासन, इसके हर एक टॉपिक का इसको स्ट्रांगली तरीके से आपको ज़रूर पढ़ना है। मैक्सिमम आपके UGC नेट में भी अगर हम देखें या अदर एग्ज़ाम में भी हम देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बहुत क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। आपको जितने भी समरी नोट्स होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। आर्ट और कल्चर पे फोकस करना है आपको, कहाँ पे किस तरीके की स्क्रिप्ट मिली आपको, पेंटिंग्स मिले, स्क्रिप्चर्स मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप स्टडी करोगे, जो सोर्सेज मैंने आपको बताए उनसे स्टडी करोगे, तो आप हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर सिर्फ आप अपने नोट्स को ही रिवाइज करोगे, उसको देखोगे, तो तभी हम इन चीज़ों को कर पाते हैं, ठीक है। तो चाहे उसके लिए आपको, चाहे हम देखते हैं, हम इसको पॉइंट में मेंशन करें या फिर किसी और तरीके से। तो क्लियर हो गया आप सभी को कि आपको किस तरीके से अपने एक महीने में, जैसे कि आपने अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया और फिर आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बताए हैं, ये PDF मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर कर लो, क्योंकि ये सब ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतने, आशा करती हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।